फटा खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। आए थे एक मैराथन का खिलाड़ी है अरुण सहनी वैशाली का, वो बहुत सारा पदक जीता है, चैंपियन है, बिहार का गौरव है। उसकी नौकरी के लिए भी हम खिलाड़ियों की नियुक्ति के लिए बराबर लड़ते रहे, तो वो कहने के लिए आए थे। वो खिलाड़ी जो है वो वैशाली से भी दौड़ करके पटना आ जाता है, तो उसके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ये जिस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके हक हकूक की लड़ाई लड़ते हैं, बोलते हैं, तो उनको कहने के लिए आए थे, उनकी पीड़ा बताने के लिए आए थे। तो ये तो राजनीति के लिए कोई ये है नहीं, ये सरकार में है तो उनको क्यों नहीं है आपके साथ? भाई खिलाड़ी भी तो सुबह में था ना। खिलाड़ी जो है अरुण सहनी जी, आप लोग तो जानते हैं ना कि हम खिलाड़ियों के लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं, सब लोग को पता है। खेला करने आए, खेला अपने लगाना है, शुरू इंडिया ने किया खत्म। अब आपको जो लगाना है कयास लगा लीजिए। ये राजनीति के लिए कोई नहीं हम आए हुए थे, ये हमारा खेल का ये कहने के लिए आए थे उस खिलाड़ी के लिए। कड़कड़ाती ठंड में इतनी रात को भाई, तो आप लोग इस ठंड में कहाँ जो है घूम रहे हैं? पता चला कि आप खेला करने आए हैं रात के अंदर, आप लोग ठंड में कहाँ घूम रहे हैं? उपेंद्र कुशवाहा के पास भी गए हुए थे। अरे भाई, तो उन्होंने क्या कहा? खिलाड़ी के लिए, खेल के लिए पहले भी हम जाते रहे, उन्होंने भी कहा। तो इसका राजनीति का कोई नहीं निकाला जाना चाहिए, उस चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। ये विशुद्ध रूप से हम आए थे। मृत्युंजय जी, एक चीज देखा जाता है कि जो भी नेता बीजेपी के खिलाफ बयान देता है उसके यहाँ आप पहुँच जाते हैं। अब राजनीतिक दल के लोग हैं, एक दूसरे से अपना संबंध भी है, पहुँच जाने का कहाँ सवाल है, सब लोगों से सबका संबंध रहता है। हम तो इस बात को स्पष्ट रूप से पहले भी कह चुके हैं कि बिहार की जनता ने जनादेश तो दिया है तेजस्वी यादव जी के लिए। अब ठीक है कि सरकार में लोग हैं, अब सरकार में है तो सरकार की नैया तो डगमगा ही रही है। तो सरकार की नैया पर आप चढ़ने आए ना? हम काहे के लिए चढ़ने आएंगे? सरकार नाव डूबेगी तो हम क्या करेंगे, देखेंगे? मुकेश सहनी के नाम पर चढ़ने आए ना? मुकेश जी के पास तो पतवार है ही है सरकार का, तो पतवार जब्त हो जाएगा तो फिर सरकार तो डूबिए जाएगी नाव। मुकेश जी के पास है नाव है, अगर जो संख्या बल है विधानसभा में, अगर मुकेश सहनी जी का पतवार अगर जब्त हो जाएगा तो सरकार की नाव तो डूबिए जाएगी। तो जब्त कौन करेगी? आरजेडी? भाई हमको, भाई आरजेडी तो हमारा नेतृत्व ना, ये बात जो हमारे आला कमान है आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ना तय करेंगे, ये हमारा विषय नहीं है प्रवक्ता। नाव पर सवार होना है भाई, नाव पर नहीं सवार होना है, बिहार की 13 करोड़ जनता सवार है तेजस्वी यादव जी के नाव पर। तो मुकेश सहनी ने क्या आश्वासन दिया खिलाड़ी? अरे भाई क्या आश्वासन दिया, उन्होंने कहा है कि उसको भेज दीजिएगा, उसको हम न्याय दिलाएंगे। खिलाड़ी को लेकर मांझी जी के पास भी जाएंगे क्या? खिलाड़ी की बात को लेकर आप मांझी जी के पास? अब खिलाड़ी है तो खेल तो खेलने से थोड़े कोई रोक लेगा। देखिए अब खरमास तो खत्म हो गया, वहाँ एनडीए में जो खेल हो रहा है वो खेल तमाशा तो आप लोग भी देख ही रहे हैं। अब हम क्या करें, इसमें मेरा क्या कसूर है भाई? वो लड़ रहा है सब लोग आपस में।